लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आइडियाज ऑफ इंडिया सेमिनार में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। राहुल ने कहा कि चीन ने लद्दाख और डोकलाम में यूक्रेन जैसे हालात कर दिए हैं, लेकिन सरकार इस पर एक्शन नहीं ले रही है। राहुल ने कहा कि सरकार इस मसले पर बोलने से भी डरती है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा, भाजपा देश में ध्रुवीकरण का केरोसिन छिड़क रही है, बस आपको एक चिंगारी लगाने की जरूरत है, फिर देश खुद जलने लगेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष की लड़ाई सबसे पहले इसे रोकने की है। भारत में लोकतंत्र की स्थिति अच्छी नहीं। राहुल ने एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत में अभी लोकतंत्र की स्थिति अच्छी नहीं है। भाजपा के लोगों ने संवैधानिक पदों पर कब्जा कर लिया है। सभी सरकारी संस्थानों में पीछे से लोगों की एंट्री दी जा रही है। हम इन लोगों से लड़ रहे हैं। कांग्रेस क्यों लगातार हार रही है? चुनाव कांग्रेस की हार और भाजपा की जीत के सवाल पर राहुल ने कहा कि हम लोगों के पास नहीं जा पा रहे हैं। हमें और अधिक आक्रामक रूप से उन 60-70% लोगों के पास जाने की जरूरत है जो भाजपा को वोट नहीं देते हैं, और हमें इसे एक साथ करने की जरूरत है। अंदरूनी कलह से जूझ रही है कांग्रेस। राहुल गांधी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि कांग्रेस अभी अंदरूनी कलह से जूझ रही है। उन्होंने कहा कि हमें लोग कहते हैं कि भाजपा जैसा कार्ड आपके पास क्यों नहीं है। मेरा जवाब है कि उनके जैसा कार्ड अगर होगा तो हम लोगों का सुनना छोड़ देंगे। कांग्रेस की डीएनए में यह नहीं है। इकोनॉमिक क्राइसिस पर गंभीर नहीं सरकार। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में सरकार इकोनॉमिक क्राइसिस पर गंभीर नहीं है। आप 1991 के नीतियों से अब क्राइसिस को खत्म नहीं कर सकते। मैंने 2012 में मनमोहन सिंह जी से पूछा था तो उनका जवाब था कि अब हम नए दौर में आ गए हैं, पुरानी नीतियों से काम नहीं होगा। सरकार क्राइसिस से निपटने के लिए कोई पहल नहीं कर रही और न ही किसी की सुन रही है। भारत को बदनाम करने की कोशिश। भाजपा। राहुल गांधी के बयान पर भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि भ्रष्टाचारी कांग्रेस के मंसूबों को जनता ने केरोसिन छिड़क कर खत्म कर दिया है। राहुल विदेश में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं।